मानो तो क्या। जरेश प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मुझे बचपन से जानती हो और ये भी जानती हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जो बात मेरे दिल पे होती है वही जबान पे होती है। हाँ मैं कह रही हूं कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये कि मैं इस पूरी दुनिया में इसकी सबसे बड़ी फैन हूं। लेकिन लेकिन इसके आगे मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। प्लीज इस बात का यकीन तो करो। मैं तो हैरान रह गई थी, उसने एकदम सब कुछ कह दिया। भला कोई इस तरह कहता है तो फिर किस तरह कहता है? तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर, फूलों का गुलदस्ता हाथ में लेकर। रामीन ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ, सच्चाई इसी तरह की होती है। तुम तो उसके इतने खिलाफ थी, अब क्यों तरफदारी कर रही हो? मैं तरफदारी नहीं कर रही हूं, सही बात कह रही हूं। पता नहीं क्या सच है क्या गलत। रामीन मुझे फराज से ना तो कोई दिलचस्पी है ना कोई हमदर्दी। मैं तो सिर्फ इंसानियत की खातिर ये कह रही हूँ कि तुम उसको इस वक्त हर्ट ना करो जब उसको किसी सहारे की जरूरत है। मैं कब हर्ट करना चाहती हूँ किसी को भी? मुझे लगता है तुम अपने साथ साथ बहुत से लोगों को तबाह कर दोगी। सुरेश प्लीज मत कहो ऐसे। मैंने कब किसी को दुख पहुंचाया है? पहुंचाया नहीं है, मगर अनजाने में पहुंचा तो सकती हो। हेलो जी डॉक्टर शहरयार जी। सलाम अलैकुम रामीन जी। है मेरे सामने बैठी होल्ड कीजिए। कह नहीं सकती मैं सो गई हूँ। हेलो जी। हेलो फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक हूँ। लेकिन आवाज से कुछ ठीक नहीं लग रही हो, क्या बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली सोने जा रही थी। आप जरिश से बात कीजिए। अरे नहीं फ्रेंड, बात तो मुझे तुमसे करनी है। क्या बात करनी? देखो ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये अच्छे और बुरे दोनों वक्त में एक दूसरे को याद रखते हैं। तो अचानक मुझे याद आया कि दोपहर को तुम कुछ परेशान सी थी। अब कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड नाइट। वालेकुम सलाम। अम्मा कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। दवाई वगैरह खा ली? हाँ खा ली। क्यों क्या बात है, कुछ कहना है? जी अम्मा आपसे एक बात करनी थी। तो कहो ना बेटा, तकल्लुफ कब से करने लगे? मैंने सोचा है कि आपकी बात मान ही लो, क्या याद करेंगे आप भी? कौन सी बात? मैं बस शादी कर लेता हूं। शादी अभी इसी वक्त? क्या कह रहे हो? नहीं मैं इस वक्त नहीं, बाद में फिर कभी। ठीक है लेकिन तुम तो मना कर रहे थे। चलिए अब नहीं करते मना। तुम उसी की बात कर रहे हो ना जिसकी मैं कर रही हूं। आप किसकी बात कर रही हैं? तो तुम किसकी बात कर रहे हो? खुदा के लिए शहरयार मोम में मत बुझवाओ, मेरा तो दिल धड़कना शुरू हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, दिल को धड़कते ही रहना चाहिए। आपको पता है ये सेहत की अलामत है। तो लड़की कौन है? है एक लड़की, लेकिन पता नहीं वो राजी हो ना हो। हाँ अगर वो मान जाए तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। यार ये क्या दीवानेपन की बातें हो रही हैं भाई। अच्छा अच्छा माँ आप परेशान मत हो। तो तुम मजाक कर रहे हो क्या? हो सकता है मजाक हो सकता है ना हो। देखो शहरयार तुम मुझे तंग मत करो। अगर तुम रामीन की बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं उसी की बात कर रही हूँ, करती रहूंगी। समझ गए तुम? जी हाँ बिल्कुल समझ गया।
और जाहिर है मैं आपकी बात तो टालने से रहा। सच? बिल्कुल सच। हाय शहरयार, मुझे इतनी प्यारी लगती है वो बच्ची। तो ठीक है, अब ऐसा करें आप सो जाएं और सोते में उसके ख्वाब जरूर देखिएगा। वैसे भी इतनी देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाऊँ। शब बखैर। अरे मुझे नींद कैसे आएगी। फजूल काम है, चादरें इतनी तो तकिए इतने, बस बहुत हो गया ये। अब मैं भी और काम करूंगी, वैसे भी कोई फायदा तो हुआ नहीं इस काम का, बेकार में इतनी एनर्जी जाया हुई है मेरी। बेडशीट्स। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप आइए, सब खैरियत है? अरे बहुत काम करती हैं आप तो। वैसे ही वो मगर आखिर से घर गया था, वहां तो आप मिली नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आ जाऊं। क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप प्लीज बैठिए। आप मैं बैठने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको लेने आया। मुझे लेने आया? क्यों? इसलिए कि फराज बहुत ज्यादा मोटी हो गया है, हर वक्त खफा रहता है और नजला मुझ पर गिरता है। देखिए ना किस कदर कमजोर हो गया हूं मैं। और आप भी अजीब है, उस दिन के बाद ना फोन किया ना आई, इस पर वो और ज्यादा खफा है। शाहब साहब, अभी तो मुझे बहुत काम करना है। अच्छा, मुझे बेवकूफ मत बनाइए, मुझे पता है कि आप दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, तभी तो वो गांव जाने का कह रहा है। गांव? कब जा रहे हैं वो गांव? यही दो चार रोज में। चलिए ना, मिल लीजिए ना उनसे। लेकिन मैं ये सब देखिए प्लीज, अगर आप मदद नहीं करेंगी तो उसका करियर तबाह हो जाएगा, वो खुद तबाह हो जाएगा, बल्कि कर लेगा खुद को तबाह। आप तो थोड़ा बहुत उसे जानती हैं, प्लीज हमेशा चलिए। चलिए। थैंक यू। गेट लॉस्ट Okay. मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, और जिन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई किया है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस खेल के लिए? मुझसे ज्यादा तो नहीं है, बल्कि मुझसे बहुत कम है। मैं जानता हूं वो लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए बकायदा उन्होंने एक ड्रामा लॉन्च किया और मुझे हटा दिया। सिर्फ इतनी सी बात है। इतनी सी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नहीं रानी, मेरे लिए एक छोटी सी बात है, क्योंकि मुझे अपनी कीमत और अपने मकाम का खुद अंदाजा है। मैं फराज अफरीदी, आज का सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा क्रिकेटर। फराज का मतलब होता है बुलंदी, और मेरी मां ने यह नाम इसलिए रखा था कि मैं हमेशा बुलंदियों पर रहूं। कोई कोई खिलाड़ी इतनी बुलंदियों तक पहुंचता है। आप ऐसे क्या देख रही हैं? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। शायद आपको भी दूसरे लोगों की तरह इस बात का अंदाजा नहीं है। मुझे है। वैसे मुझे इसकी भी परवाह नहीं है, किसी के ना मानने से मेरा कद तो नहीं कम हो जाएगा जी। और अगर आज मुझे वो इज्जत नहीं मिल रही जो मुझे मिलना चाहिए थी, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि नुकसान लोगों का है, मेरा तो नहीं है। बोर हो रही है? जी नहीं, मैं बोर नहीं हो रही। इनफैक्ट मैं सोच रही हूं कि आपने क्या आपने ये सब बताने के लिए मुझे यहां बुलवाया है? ये तो आप मुझे पहले भी बता चुके हैं। नहीं रामीन, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि मैं वापस अपने गांव जा रहा हूं और मुझे आपके फैसले का इंतजार है। अगर आप कोई करना चाहती हैं, वरना कोई जरूरी नहीं। फराज साहब,
जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले एक दिन में तो नहीं हो सकते। मेरे पास वक्त नहीं है, फैसला आज हो या कभी नहीं। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं तो जानता था जब भी मैं हारूंगा आप या कोई और मेरे साथ नहीं आएगा, क्योंकि लोग इंसानों से मोहब्बत नहीं करते, उनकी स्टेटस, उनकी डॉलर, उनकी इज्जत, उनकी शोहरत से करते हैं, क्योंकि ये चीजें वो बड़े फखर से तमगों की तरह अपने सीनों पे सजा सकते हैं। खुदा हाफिज़। शहरयार बोल रहा हूँ। डॉक्टर शहरयार, माय गॉड, प्लीज आप जल्दी आइए। वो फराज़ को कुछ लड़कों ने पकड़ लिया, बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, बहुत जख्मी कर दिया है, प्लीज जल्दी आइए। रामीन, आप अब कहाँ हैं? क्या कह रही हैं आप? वो मैं स्टेडियम के सामने हूँ, ग्रीनविच स्टेडियम है, उसके सामने हूँ। हम लोग गाड़ी में बैठे थे, वो चार पांच लड़कों ने फराज़ को पकड़ लिया, बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, बेहोश हो गए हैं, शदीद जख्मी है, प्लीज जल्दी आइए, यहाँ कोई नहीं है। ओह माय गॉड, आप मेरी बात सुनिए प्लीज, डॉक्टर शहरयार जल्दी कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए आप जहाँ हैं वहीं खड़ी रहिए, मैं फौरन एम्बुलेंस भेज रहा हूँ और मैं खुद आपको लेने आ रहा हूँ, समझिए आप। जी क्या कह रहे हैं आप सर? मतलब हमारी इस ऐसी किस्मत कहां से कि वो हमारे अस्पताल में आए? इम्पॉसिबल। लेकिन डॉक्टर शहरयार कह गए हैं कि वीआईपी ठीक करवाए, एम्बुलेंस लेने गई उन्हें। कह गए कि फराज आफरीदी साहब आ रहे हैं? जी हाँ, मेरे कान अभी खराब नहीं हुए। अच्छा सर, मैंने वैसे एक दफा फराज आफरीदी साहब को देखा था, नहीं दूर से, मेरा मतलब है कि इतनी दूर से जितना कि आप दूर बैठे हैं बस। लेकिन अगर आपने देखा भी था तो इस पे प्रेजेंट सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, आप जल्दी जाइए। अच्छा सर, आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी सारा इंतजाम फर्स्ट क्लास कराऊंगी, वीआईपी इंतजाम। ये जरा एक मिनट आप पकड़े सर, मुझे हाउ वेरी अनएथिकल बट वेरी नेचुरल, मैं अभी गई सर। डॉक्टर, ये क्या खबर है कि फराज आफरीदी यहाँ आ रहे हैं? जी, पर आपको कैसे पता चला? कुछ डॉक्टर्स बात कर रहे थे। जी बात तो सही है, मगर क्यों आ रहे हैं? हैरत तो मुझे इस बात पे हो रही है कि मैंने अभी सिर्फ 5 मिनट पहले सिस्टर को ये बात बताई है और ये 5 मिनट के अंदर ये खबर पूरे अस्पताल में ट्रेवल कर चुकी है। मगर बात क्या हुई है? वो जख्मी है। क्या? जी हाँ, डॉक्टर शहरयार उनको खुद लेने गए। लेकिन हुआ क्या उनको? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? बैठिए, मैं आपको पानी भिजवाता हूँ। जी नहीं, और किसी के लिए परेशान होने मना है क्या? और आपको क्या पता मैं किसके लिए परेशान हूँ?